सर माई एकेडमिक इज नॉट गुड, 10th में मेरा अच्छा मार्क्स नहीं था, 12th में मेरा अच्छा मार्क्स नहीं था, मतलब अच्छा मार्क्स व्हेन आई से 80% 90% नहीं था, एंड मेरा कैट भी प्रिपरेशन एवरेज चल रहा है, एंड वॉट इफ माई कैट का परसेंटाइल विल नॉट बी दैट गुड, मतलब 99 प्लस नहीं रहेगा, तो कैन आई गेट गुड कॉलेजेस? सो इन दिस वी विल टॉक अबाउट लिस्ट ऑफ द बेस्ट MBA कॉलेजेस थ्रू योर कैट, ओके, जहाँ पे आपका कैट का परसेंटाइल 92, 93, 94, 95 के आसपास रहेगा, यू विल गेट दोज कॉलेजेस, एंड या एकेडमिक इस कॉलेजेस में मैटर ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है? व्हेन आई से मैटर नहीं करेगा, दैट डज नॉट मीन कि आपका परसेंटेज बहुत कम हो, मतलब हाँ 90 नहीं होगा, 80 नहीं होगा, तो भी आपको ये कॉलेज मिलेगा, 60% है, 65-70 के आसपास है, देन ऑल्सो यू विल गेट दीज कॉलेजेस। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड दोज़ हू आर टारगेटिंग फॉर द कैट। Alright, so before I proceed, Manuver MBA Entrance, this is the channel where you will be getting the MBA specific videos. So if you are watching this video on Manuver MBA Entrance channel, do subscribe the channel, okay? But if you are watching this video on Manuver Education channel, so link I have mentioned in description, Manuver MBA Entrance ka, go and subscribe it, okay? All the update, notification, lots of things you will be getting on this channel. Now let's discuss about the, what are the colleges, theek hai? मेरा कैट में 93, 94 आता है या 95 के, 90 से 95 के अंदर मेरा परसेंटाइल है, 91, 92, 94, 95, ठीक है? तो ये परसेंटाइल पे आई कैन गेट इन टू द आई एम्स, यस यू कैन गेट इन टू द आई एम्स, जितने भी बेबी आई एम्स एंड न्यू आई एम्स है उन सब में अपने को एडमिशन मिलेगा, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आई एम इनफैक्ट कैलकाटा भी एकेडमिक नहीं देखता है, बट आपका परसेंटाइल 94-95 के आसपास रहेगा तो आई एम कैलकाटा विल गिव द कॉल। उसके बाद का जो प्रोसेस है GDPI को लेकर के, दैट यू हैव टू फॉलो, ओके? तो आई एम में अपने को कॉल मिलेगा, दोज हू आर ड्रीमिंग फॉर आई एम, 95 परसेंटाइल लेके आ जाओ, 94-93 परसेंटाइल भी अगर आपको आ रहा है, डिसेंट लेवल का आई एम पक्का मिल जाएगा आपको, मतलब बेबी आई एम्स मिल जाएगा तो न्यू आई एम्स मिल जाएगा, 95 के आसपास है तो आई एम कलकत्ता, उसमें भी अगर आप GDPI पे काम करते हो 95 परसेंटाइल के आसपास पे, तो आपका आई एम कलकत्ता फॉर श्योर है, ठीक है? तो आई एम में अपने को कॉल आएगा, तो डोंट नीड टू वरी, आपका एकेडमिक ठीक ठाक है तो भी आप आई एम में पढ़ सकते हो। सेकेंडली IIT दिल्ली एंड IIT मुंबई, एकेडमिक अच्छा नहीं है, नॉट एन इशू, बट हाँ कैट में थोड़ा यहाँ पे ठीक ठाक करना पड़ेगा, 98-99 के आसपास जाना पड़ेगा, 99 के आसपास जाओगे तो दिल्ली एंड मुंबई में एडमिशन अपने को कैट के परसेंटाइल के थ्रू मिल सकता है, ठीक है? सो IIM और IIT के बाद आते हैं बिजनेस स्कूल, जो बी स्कूल्स हैं, टॉप बी स्कूल, नंबर वन पे FMS है। हाँ FMS के अंदर 99.4 या 99.5 के आसपास परसेंटाइल जाएगा, इट इज़ द बेस्ट कॉलेज, IIM अहमदाबाद के टक्कर का कॉलेज है, बहुत कम फीस है और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है FMS, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, डू अप्लाई फॉर दिस कॉलेज। अगर आप कैट का फॉर्म भर रहे हो तो ये कॉलेज को डेफिनेटली, इस कॉलेज का फॉर्म कैट के थ्रू भरना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं, मेरा परसेंटाइल 99.5 के आसपास आएगा, ठीक है? आफ्टर देन कम्स MDI गुड़गांव, प्लेसमेंट काफ़ी डिसेंट है, परसेंटाइल कैट का अराउंड 98 पॉइंट समथिंग या 98 के आसपास का परसेंटाइल रिक्वायर्ड है कैट में, ठीक है? देखो कैट के अंदर हाउ टू अटेम्प एग्जाम, हाउ यू कैन गेट गुड परसेंटाइल विद द मिनिमम अटेम्प्ट, इसको लेके आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन विद रिगार्ड टू द परसेंटाइल अटेम्प्ट और एनीथिंग एज सच, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, नेक्स्ट वीडियो मेरा उस टॉपिक को लेकर रहेगा, बट हाँ क्वेश्चन आपके रिलेवेंट होने चाहिए, ओके? आफ्टर देन देयर इज IIT गाजियाबाद, जहाँ पे भी आपका 97-98 के आसपास यू विल गेट द एडमिशन, हाँ 99 के आसपास एडमिशन रहेगा तो आपको JBIMS भी मिल सकता है, सीट्स आर लिमिटेड फॉर JBIMS यू विल बी गेटिंग थ्रू कैट एंड CET, तो अपने को 99.9 में वो जाना पड़ेगा फॉर JBIMS, सीट्स आर लिमिटेड थ्रू कैट, ठीक है? तो ये कुछ लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस है जहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिलता है, ठीक ठाक प्लेसमेंट अपने को मिलेगा, करियर विल बी सॉर्टेड, जहाँ पे एकेडमिक ज़्यादा मैटर नहीं करता, मतलब उनका 60% है एकेडमिक में, 10th-12th में ग्रेजुएशन में, दैट इज़ फाइन, 60-65-70, मतलब 90 प्लस नहीं चाहिए, 80 प्लस नहीं होगा तो भी चलेगा, बट हाँ कैट में कोशिश करो कि आप डिसेंट लेवल पे परफॉर्म करो, 95 परसेंटाइल लाना इज नॉट अ बिग डील। अगर आपने मेरा अटेम्प्ट वर्सेस परसेंटाइल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कैट क्रैक करना है, कैट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, ऑल अबाउट अटेम्प्टिंग वर्सेस एक्यूरेसी, जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो मेक श्योर वो राइट होने चाहिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन यू कैन टॉक टू आवर काउंसलर, वी हैव सेंटर इन मुंबई फॉर द कोचिंग, दादर बोली वसई एंड थाने, बट इफ नॉट मुंबई बेस्ट यू कैन चेक आउट आवर ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ओके? फॉर एनी डाउट एंड क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।